बाबा ऐसे प्रसाद को कबूल नहीं करते जिसके पीछे धन और वैभव का अहंकार होता, स्वार्थ पूर्ति की आकांक्षा होती या कुछ उद्देश्य होता। बाबा से भला किसके मन की भावनाएं छिपी रहती। वे अहंकार युक्त प्रसाद को अपने भक्तगणों में बंटवा देते और प्रसाद लाने वाले व्यक्ति को सीख भी देते, ऐसी सीख जिससे वो सुधर जाता। एक महिला श्रीमती कुशवाहा प्रसाद वितरण के समय बाबा के तखत के पास बैठा करती ताकि उसे अधिक प्रसाद मिले। एक दिन वह दोने में चार बड़े रसगुल्ले लाई और एक अन्य भक्त से उसे बाबा को देने को कहा। इन्हें तुम बाबा को जरूर खिला देना, तुम्हारे हाथों से वे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। उस महिला के भाव को बाबा पहले ही समझ चुके थे कि मेरे भक्तों को वह मान्यता नहीं देती। भक्त ने गुलाब जामुन का दोना बाबा को अर्पित करते हुए कहा कि इसे श्रीमती कुशवाहा ने आपके लिए अर्पित किया है बाबा। बाबा ने यह दोना पास बैठे एक भक्त को दे दिया। इससे श्रीमती कुशवाहा अत्यंत दुखी हो गई। फिर बाबा ने उस महिला के अबोध बच्चे को पास बुलाया और पूछा, बेटा गुलाब जामुन और हैं क्या? बेटे ने हामी भर दी। श्रीमती कुशवाहा कृष्ण बलराम कुटी के नंबर एक कमरे में रहती थी। उसमें रखे गए सभी गुलाब जामुन बाबा ने मंगवा कर वितरित करवा दिए। और क्या है तुम्हारे कमरे में? बालक से बाबा ने पूछा। समोसे, फल, मिठाई। बालक ने सभी चीज़ों के नाम गिनवा दिए। बाबा ने सभी चीज़ें मंगवा कर भक्तों में बंटवा दी। श्रीमती कुशवाहा बाबा की इस लीला को दुखी मन से देखती रहीं। ये लीला करने पर बाबा का तात्पर्य यह था कि स्वयं तो दूसरे लोगों के द्वारा अर्पित प्रसाद बटोरती रहती है और अपना प्रसाद भक्तों में वितरित करने में कंजूसी दिखाती है। श्रीमती कुशवाहा ने आगे से अपनी ये आदत छोड़ दी। जय हो नीम करूरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना, प्रभु कल्याण करना। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।